আমি রঙিয়া রা রঙিয়া পুরা রঙিয়া রক यहाँ पर आकर आनंद आ गया। माँ कामाख्या के दर्शन हुए और अब उमानंदु जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम गोवा में घूम रहे हैं और माता के भी दर्शन हो रहा है। आइए मित्रों, हम आज अब आपको उमानंद की यात्रा कराते हैं, क्योंकि ये यात्रा बहुत आवश्यक है, धार्मिक यात्रा है, क्योंकि माँ कामाख्या के दर्शन के बाद उमानंद के दर्शन करना जरूरी है। आइए चलो दर्शन करते हैं। देखिए आ गए हैं भगवान शंकर के, यह मंदिर है और इसकी पूजा अर्चना के लिए हमने माला फूल अगरबत्ती खरीदी है। अब हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। उमानंद जी की जो मंदिर है उसकी कतार में लगे हुए हैं। अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं, बस इंतजार कीजिए, कुछ ही क्षणों में हमारा प्रवेश हो जाए। माँ कामाख्या के दर्शन के बाद ये उमानंद के दर्शन क्यों किए जाते हैं, इसका क्या महत्व? लोग बोलता है ये कामाख्या का भैरव है, इसलिए माता को दर्शन के बाद बाबा को दर्शन करता है। मतलब ये भैरव का स्थान है? भैरव का स्थान है, भगवान शंकर का नहीं, भैरव का स्थान। उमानंद के दर्शन करके अपार श्रद्धा के साथ आनंद प्राप्त हुआ और आज रविवार का दिन होने की वजह से बहुत भीड़ थी, दर्शन करने में समय लगा, लेकिन आनंद प्राप्त हुआ। ईश्वर की कृपा से हम जो मनोकामना ईश्वर की कृपा से जो मनोकामना हम लोगों ने की है वो पूर्ण होगी। साथ में जो लोग यहाँ पधारे हैं और जो उमानंद से अपनी आशीर्वाद मांगा है वो उनका सबका पूर्ण होगा। आपने हमारे उमानंद जी का वीडियो देखा, आप उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।